हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सोलर सिस्टम होता है उसमें जो सोलर ग्रास का मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल है और एकमात्र कंपनी ऐसी है जो सोलर ग्रास का मैन्युफैक्चरिंग करती है। उस बिजनेस मॉडल का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। उसके दोस्तों बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने डिस्कस किया था एक महीने पहले, तो उसका हमने लेवल टारगेट दिए थे 450 के लगभग आएगा, तभी हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो लगभग 450 पे आके टेस्ट करके बाद में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हमें अपने को क्या करना चाहिए, डिटेल से कंप्लीट टेक्निकल चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल चार्ट जिस तरह से ट्रेंड पहचानना होता है, बाद में कोई इसमें पैटर्न बना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, दो ऐसी ट्रेड लाइन है उसको वो अभी तक उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों उसी ट्रेड लाइन को एक ट्रेड लाइन के अंदर एक चेन चैनल के अंदर वो ट्रेड कर रहा है, तो उसके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, उससे पहले टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए जो बेसिक चीज होती है, पांच ट्रेंड रिवर्सी कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस किया है, बालाजी मंच, बर्जर पेंट और ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो एक बार उन वीडियो को जाके देखिए, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों, बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड एक इसके बारे में बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले चार्ट को रीड करने, दोस्तों एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आने वाले समय में 5-6 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अब देखिए, इसमें जो मार्केट में लिस्टेड तो दोस्तों ये पहले हुआ है। इसमें देखिए, कोविड के टाइम की बात करें, आपको चार्ट को रीड करने के लिए जो बेसिक चीज होती है, सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना है। ट्रेंड पहचानने के लिए क्या करोगे, उसमें तीन ट्रेंड होते हैं दोस्तों, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड की क्या पहचान होती है, हायर टॉप उसमें बनते जाते हैं, हायर टॉप हायर बॉटम। जैसे हायर टॉप बना, ये हायर बॉटम बन गया, इससे बॉटम से पहले ये हायर बॉटम, ये हायर टॉप ये हायर बॉटम, ये देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। उसके बाद में ये टॉप लगाया इसने, और टॉप के बाद में इस एक रेंज में, इसको बोलेंगे कंसोलिडेट फेज। इस रेंज कब से लेके, दिसंबर 21 से लेके और ये जुलाई अगस्त 22 तक एक रेंज में रहा, इसको अपन कंसोलिडेट फेज बोलेंगे। और फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो देखिए उसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड की क्या खासियत होती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो लोअर टॉप ये मान लीजिए, लोअर टॉप माना, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम और लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं। इसने ट्रेंड को देख के अपने को इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी चाहिए, देखिए कि ट्रेंड में जो पहले जो ये बॉटम लगाया उसको ब्रेकआउट करना चाहिए। पहले वाले ब्रेकआउट नहीं किया, नीचे वापस यहीं लगा के वापस आ गया। यहाँ क्यों रुका, यहाँ पर पहले देखिए सपोर्ट था, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर नीचे आया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर जो पहले यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस था, टॉप बनाया था, उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर वापस नीचे आ गया और नीचे पहले वाले बॉटम और बना दिया, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड, ये जो टॉप लगाया इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट करेगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार, अगर बॉटम में इसको बाय करते हो तो दोस्तों बहुत ही आने वाले समय में 5-6 साल में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा। ये देखिए कितने का था स्टॉक, ये देखिए कोविड के टाइम में कितने का था, ये कोविड के टाइम की बात है, 40 रुपए का स्टॉक था, वो लगभग 800 गया दोस्तों, 20 गुना के लगभग इसने वेल्थ क्रिएट करके दिए। तो आने से लेकिन ये अभी इतना वेल्थ क्रिएट करने के बाद में ये वैल्यू को एडजस्ट करेगा, तो वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद हम फिर चलेगा ये, तो हम उस टाइम इसमें अच्छी वेल्थ क्रिएट करके कर सकते हैं। अब देखिए ट्रेंड को लेके देखा, तो इसमें इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें मूवमेंट आएगा, मतलब ये बाद में ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन बॉटम में अभी नीचे आ सकता है। हमने पहले डिस्कस किया था, देखो दोस्तों जनवरी में किया था, लगभग इसकी प्राइस थी 500 के लगभग हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक लगभग 450 के लगभग आएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो कि 450 के लगभग हमने डिस्कस किया था। तो 450 का दोस्तों ये आया है, बॉटम लगाया इसने 437 का, तो देख लो एग्जैक्ट लगभग उससे नीचे ही आ गया थोड़ा बहुत। तो वहां पर किसी ने बाइंग अपॉर्चुनिटी की थी, वहां पर एक मैंने रीजन और बताया था कि यहाँ से पैटर्न बनेगा। अब देखो यहाँ पैटर्न भी बनाया, देख लीजिए, इसको बोलते हैं बुलिश इनकल्पिंग कैंडल बोलते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि आपको बॉटम में अगर कोई पैटर्न बने तब बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है। तो पैटर्न एग्जैक्ट इसमें देखिए 467 पर बुलिश कैंडल बना ली, बुलिश इनकल्पिंग, और उसके बाद में अभी भी इसमें लगभग कितना पे जाके आया, 86-87 पे जाके आया। अब देखते हैं एक बार इसमें पैटर्न, यहाँ पर देख लिया कैंडल स्टिक पैटर्न, देख ली कैंडल स्टिक पैटर्न में अभी यहाँ बुलिश कैंडल बनाई है। अब एक बार थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं क्योंकि अब ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो ये देखिए
इसको यहाँ से डाउन आया तो कौन सा कैंडल स्टिक बनाइए दोस्तों, कैंडल स्टिक बनाइए, इसको बियरसिंग इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, मतलब डाउन ट्रेंड, इनगल्फ करना निगल जाना, बियरसिंग मतलब डाउन ट्रेंड आएगा। यहाँ से देखो एक रेंज बाउंड एरिया था, रेंज बाउंड एरिया का एक और ये ध्यान रखा, अगर कहीं भी ये ध्यान रखा कोई भी डोजी टाइप में कैंडल बनी है मतलब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो वो या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा। जिस तरह से ऊपर की तरफ होगा तो अप ट्रेंड चल रहा है तो ऊपर की तरफ होगा, और डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में आएगा। ये देखो कंसोलिडेट फेस था, एक डोजी टाइप में कैंडल बनाई फिर ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद में यहाँ पर देखो इसने इन्वर्टेड हैमर भी बनाया है, ऊपर की तरफ गए। अभी देखो प्रेजेंट टाइम में ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक हैमर बनाया है इसने। अब इस वीक नेक्स्ट वीक क्या करेगा, अगर हैमर बना के अच्छी बुलिश कैंडल बना लेता है तो इसमें एक अप ट्रेंड, और जो पहले हमने जो रेजिस्टेंस दिखाई दिया था कौन सा था 5530 के लगभग था, इसको अगर ब्रेकआउट कर लेता है तो ये बॉटम बन जाएगा। ये 50% की रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्यों रुका है ये देखिए, पहले यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस था तो थोड़ा ही रुका है, ज्यादा कब रुकेगा, यहाँ पर इसका मेजर रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट बचा हुआ है। देखो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, कब से कब तक था, जनवरी से लेके और ये सितंबर तक, मतलब 4-5 महीने था, और अभी ये दिसंबर 21 टॉप लगा के फिर बाद में ये आया। अब कैंडल स्टिक को पैटर्न को देख के अपने को यहाँ पर हैमर बनाया, ठीक है। अब बात करते हैं आरएसआई में, देखते हैं कि आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे, आपको चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों चीजें देखने, पहले ट्रेंड देखना है, फिर बाद में कैंडल स्टिक देखना है, फिर कोई पैटर्न बन रहा है, फिर आरएसआई में डाइवर्जन दिखेंगे। इस तरह से आरएसआई में देखिए दोस्तों, पहले जब टॉप लगाया था उस टाइम की देख लीजिए, टॉप लगाया था तो यहाँ पर देख अप ट्रेंड था, ठीक है, अप ट्रेंड के, और आरएसआई में हमें उस टाइम यहीं से डाइवर्जन दिखाई दे गए थे, ये देखिए इसको बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जन। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में देखिए ऐसा कोई अभी तक डाइवर्जन अपने को नहीं दिखा। अगर छोटे टाइम फ्रेम में लूं मैं, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो देख पाओगे कि कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे, तो हैमर बन गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाइवर्जन तो नहीं दिखाई दिए ना। अगर किसी ने 450 के लगभग इसको एक्युमुलेट किया होगा तो एक मतलब अच्छा अभी भी उसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, लेकिन फिर नीचे आएगा तो और एक्युमुलेट करना, लेकिन आपने ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर एक्युमुलेट कर लिया। मैंने तो ये सबसे टारगेट, मेरे को तो सबसे बाइंग अपॉर्चुनिटी में कब करूंगा इसमें, जब ये 430 मतलब 350 के लगभग आएगा, यहाँ पर आएगा तब ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा जरूर नहीं यहाँ पर भी आए, ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको ब्रेकआउट कर लेगा तब करूंगा। अगर यहाँ से आप समझ लीजिए 50 रुपये ज्यादा महंगा मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ट्रेंड में तो जाएगा फिर बाद में नीचे की तरफ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से इसको टेस्ट करके और फिर वापस आ गया तो फिर बाद में ये देखो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको मैं एक ट्रेड लाइन को दोस्तों फॉलो कर रहा, उस ट्रेड लाइन को दिखाता हूँ आपको। आरएसआई में कोई भी डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आरएसआई में देखिए ये ट्रेड लाइन को देखिए आप, ट्रेड लाइन ये यहाँ से देख लीजिए, ये ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस ले रहा है और एक दूसरी ट्रेड मतलब एक चैनल में काम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए इसने क्या किया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लिया, सस्टेंड अगर ब्रेकआउट कर भी दिया और वापस आ गया तो ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, ब्रेकआउट फेल होगा। देखा यहाँ से इसने रेजिस्टेंस मिला है, फिर यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, 3-4-5-6 बार इस रेजिस्टेंस को इसने ट्रेड लाइन को टेस्ट कर लिया। देखिए हर बार इस ट्रेड लाइन को ये रेजिस्टेंस मान रहा है, नीचे की तरफ मानोगे तो यहाँ पर देखिए 1 बार 2 बार 3 बार ये थोड़ा सी ट्रेड लाइन थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो आप, 4 बार 5 बार 5 बार नीचे टेस्ट कर रहा, सपोर्ट मिल गया, तो इस ट्रेड लाइन को ये हमेशा सपोर्ट करेगा। ऊपर अगर रिटेस्ट करके देखना, ये ऊपर रिटेस्ट करके वापस आएगा तो फिर बाद में यहाँ पर आ जाएगा 425 के लगभग आ जाएगा, फिर ऊपर जा सकता है। इसको नीचे ब्रेकआउट कर दिया, ध्यान रखना नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन कर दिया इसको तो फिर अपना टारगेट निश्चित है दोस्तों, वहां पर आपको पक्का। अब देखो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा देता हूँ, अब अपने को फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से देखो बॉटम पकड़ लिया इसका और ये एक टॉप लगा दिया। अब मैंने उस पिछली बार अपने डिस्कस किया तो क्यों ये 450 के लगभग टारगेट की बात की थी, 450 के लगभग इसलिए की थी क्योंकि ये 50% की रिट्रेसमेंट आ रही दोस्तों, 50% की लगभग रिट्रेसमेंट आ रही थी। और इसने देखो सपोर्ट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, एक बार इसमें 38% को लगभग सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस कहाँ मिला इसका 23% की रिट्रेसमेंट पर इसको रेजिस्टेंस मिला है, नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ देखिए ब्रेकडाउन किया है, तो ब्रेकडाउन किया तो एक कैंडल बनाई होगी इसने,
देखिए ये कैंडल देख लीजिए, ये कैंडल है इसकी, ये ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पर सस्टेन। और एक बार ध्यान रखना, कोई ऊपर की तरफ आके अचानक नीचे स्टॉक आ जाता कोई न्यूज की वजह से, तो वो नीचे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर वो रेंज बाउंड एरिया यहाँ पर एक बेस बनाएगा, बेस बना के फिर नीचे की तरफ आता है, तो उसमें अच्छा मतलब वो मूवमेंट देगा। ये जैसे यहाँ पर आ गया और फिर वापस रिटेस्ट कहाँ किया, इसको देखिए दोस्तों मैं लाइन आपको ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें तीन चीज चार चीज, एक तो ट्रेड लाइन का हो रहा है, ठीक है, ट्रेड लाइन हो गया, ये फिबोनिक रिट्रेसमेंट हो गई, फिबोनिक रिट्रेसमेंट हमें 38% की है। दूसरा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो देखो तीनों चीज को अगर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ ये निश्चित जाएगा। अब यहाँ पर जब कब इसको रेजिस्टेंस मिलेगा ये भी देख लीजिए, यहाँ पर है तो यहाँ पर ये 515 के लगभग जाके फिर वापस आ सकता है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे तब इसमें हमें पांच, चाहे जिस तरह से स्टॉक मार्केट में क्या होता है दोस्तों, हम पहले एंटिसिपेट करते हैं लेकिन प्राइस को फॉलो करेंगे ना, प्राइस को अपन पहले ये नहीं करेंगे कि मैं ले लूँ फिर बाद ऊपर चले, ऐसा नहीं होता। मैं लूंगा तब जब इसमें ब्रेकआउट है, मेरे को जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ उस तरह से ये प्राइस दिखाएगी कि ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ जा रहा है, तब मैं इसमें क्वांटिटी ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक्युमुलेट कर सकते हो आप, इसमें क्या कि आपने एक्युमुलेट किया तो यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा तो 450 के लगभग मिला, अभी भी इसमें प्रॉफिट हो रहा है अच्छा। और इसके बाद में नीचे की तरफ आएगा तो ये देखिए फिबोनिक रिट्रेसमेंट के लगभग है, या ये 60% सॉरी इतने 61% की रिट्रेसमेंट है। प्राइस लगभग क्या है देख लीजिए, 350-360 के लगभग है। तो ध्यान रखना दो कंडीशन बता दी इसमें कि ऊपर की तरफ जाएगा, इसको ब्रेकआउट, दोनों ट्रेड लाइन छह बार जो ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस मिल गया उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर नीचे नहीं आएगा, और फिर वापस रेजिस्टेंस टेस्ट करके फिर नीचे आ गया फिबोनिक रिट्रेसमेंट और इसको रिट्रेस ट्रेड लाइन को ऊपर की यहाँ के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर बाद में निश्चित यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको चार्ट को रीड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, पहले क्या करना है ट्रेंड पहचानना है, फिर बाद में कैंडल स्टिक कोई पैटर्न बनेगा, यहाँ पर भी देखना नीचे आएगा तो कोई कैंडल स्टिक बन जाएगा, फिर वापस यहाँ पर नीचे आएगा तो यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक बनेगा, पैटर्न बनाएगा। जिस तरह से हम अगर वीडियो नहीं बना पाते तो ध्यान रखना कि 350 के लगभग आए, 350 के लगभग आए तब इसमें अच्छा पैटर्न बना के, जैसे 450 के लगभग आया ऊपर की तरफ, अब 350-60 के लगभग आके जिस तरह से इसने बुलिश कैंडल बनाई है ना यहाँ पर, तो इस तरह से वहां पर बनाएगा, इसको बोलते हैं बुलिश इनकल्पिंग कैंडल। देखो यहाँ पर भी इसने टेस्ट करके क्या बनाया, बुलिश इनकल्पिंग कैंडल, यहाँ पर कौन सा बना ये देखिए दोस्तों क्या कमाल हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पर भी बुलिश इनकल्पिंग कैंडल आ रही है, तो इस तरह की ये कैंडल स्टिक बनेगा। अब बड़े टाइम फ्रेम में हमने देखा अभी वो क्या बना रहा है, यहाँ पर हैमर बनाया, तो ये हैमर देखो टेस्ट यहीं पर इसी को टेस्ट करके गया, तो हैमर बना के ऊपर की तरफ चला गया तो देखो ये बॉटम बन जाएगा इसका। तो अपने को इस चीजों को ध्यान रखना है, अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है, आने वाले समय में अगर इसकी अच्छी क्वांटिटी आप अकोमोडेट करते रहो 5 साल के बाद में इतना मतलब गुना की बता रहा हूँ, 5 से 6 गुना ऐसा वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, परसेंटेज की तो छोड़ो, वेल्थ मतलब गुना की बात हो रही है। तो इस तरह से इसने पीछे भी दिया है दोस्तों इसके, तो बिजनेस मॉडल के बारे में फंडामेंटल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जाके देख सकते हो, बार बार उसी चीज को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं रहता, आपको टेक्निकल चार्ट को रीड करना आना चाहिए। टेक्निकल चार्ट अगर स्टार्टिंग में होता है तो बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल को देखना जरूरी होता है, लेकिन दोस्तों लास्ट में अगर आप देखो तो टेक्निकल चार्ट सफिशियंट है, आप टेक्निकल चार्ट को देख के ही पता कर सकते हो कि स्टॉक कब चलेगा। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।